खुदिन ओवैसी मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मैं बोलने का ज़रूरी नहीं है, अकबर साहब ने कहा। मगर मेरा अच्छा दोस्त को मैं एक यकीन दिलाना चाहता हूँ, 10 साल गलत दोस्ती करने के वजह से पुराना शहर को एकदम नुकसान हो गया। अब सचमुच सही दोस्त को पहचान लिए, सही दोस्त के साथ चले तो सब कुछ, पुराना शहर, ये हैदराबाद शहर इट इज़ नॉट पुराना शहर, इट्स एन एक्चुअल सिटी, ओरिजिनल सिटी, दिस इज नॉट ओल्ड सिटी, दिस इज ओरिजिनल सिटी, हैदराबाद इज आवर ओरिजिनल सिटी। मगर मेरा दोस्त को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ, हैदराबाद मेट्रो जो भी आए, पिछले सरकार जब राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था, जो बहस हुआ असेंबली में, उसके बाद जो डिसीशन लिए, जो टेंडर बुलवाए, उसमें मेहताज कंपनी कैसे फेल हो गए, उसके आगे दोबारा कैसा टेंडर हुआ, वो पीपीपी मॉडल कैसे सक्सेस हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ जो मिसिंग लिंक्स है, मैं उनसे तकरार नहीं करना चाहता हूँ, मगर रिकॉर्ड में कुछ लोग मेहनत किए, उन्हीं उन लोगों का भी, वो नेता लोगों का भी नाम अपने रिकॉर्ड में आना है। राजशेखर रेड्डी साहब ने ये प्रपोजल कंबाइंड आंध्र प्रदेश से केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दिए, मगर वहाँ पर तेलंगाना के शान जयपाल रेड्डी जी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, उन्होंने ये पीपीपी मॉडल में यू वीजीएफ वायबल गैप फंड परमिशन के साथ साथ 1500-1600 करोड़ रुपए वायबल गैप फंड देकर और परमिशन देकर जयपाल रेड्डी साहब ने ये हैदराबाद शहर को मेट्रो ने दिलवाया। राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल किए तो राज्य सरकार से राजशेखर रेड्डी साहब ने प्रपोजल भिजवाए तो केंद्र में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एस जयपाल रेड्डी ने वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दे के और वायबल गैप फंड 1600 करोड़ ही हैज गिवन, दैट इज हाउ वी हैव गॉट हैदराबाद मेट्रो। सेकंड थिंग, वो जो पीपीपी में 75 किलोमीटर्स बात हुई थी, जो अग्रीमेंट हुआ था 75 किलोमीटर्स में, एलएनटी 69.5 किलोमीटर्स ने पूरी की, गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा तक 5.5 किलोमीटर वो टेंडर अग्रीमेंट में है, उनके लिए प्रॉपर्टी भी लिए उन्होंने, उनके लिए वायबल गैप फंड भी ले लिए, फिर भी पुराना शहर को वो मेट्रो नहीं बनाए। मगर तेलंगाना बनने के बाद जो सरकार हुकूमत में थे वो लोग एलएनटी से एडजस्ट होकर वो नहीं बनाए तो भी मत बनाओ, आपको हम पूरा दे देंगे बोल के, पिछले सरकार ने जो धोखा दिया पुराना शहर को, वो धोखे के वजह से 10 साल तेलंगाना राज्य में पुराना शहर को ये मेट्रो रेल नहीं मिला। मैं मुख्यमंत्री बनते ही ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है, जरूर वो शहर में मेट्रो रेल बनाने के लिए मैं एमआईएम सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब से और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब से दोनों से मैं डिस्कशन कर लेके उसके आगे मैं चंद्रयान गुट्टा में वो जो फाउंडेशन स्टोन जो डालना है वो 5.5 किलोमीटर बनाने के लिए हम एलएनटी से बात किए, मगर एलएनटी पिछले सरकार जो लीनियंस दिए वैसे ही यही सरकार से भी कुछ बोले थे, मैं बोला बाबू देखो ये बनाना पड़ेगा नहीं तो चरलापल्ली या नहीं तो चंचलगुड़ा में बैठना पड़ता बोल के मैं एलएनटी कंपनी को सीधा सीधा बोल दिए। और बात रहा दूसरे सेकंड फेज ऑफ मेट्रो, पिछले सरकार ने जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जो हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर्स बनाने के लिए टेंडर भी बुलाए। साहब आपको तो पता है आप वहीं से आए, हर दिन आपको कॉन्स्टिट्यूंसी को जाना है तो वही आउटर रिंग रोड से वहीं से जाते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी अगल बगल में, आप हैदराबाद शहर में बचपन से आप इधर ही पढ़े लिखे, आप इधर का ही है। जो आउटर रिंग रोड है 500 फीट का रोड है, 8 लेन रोड है, जूबली हिल्स बंजारा हिल्स हाईटेक सिटी से कोई भी अगर एयरपोर्ट को जाना है तो कार में जाते सर, ड्राइवर भी साथ में नहीं जाते क्योंकि ये जाके गाड़ी एयरपोर्ट में रख दे के फिर हवाई जहाज में कहीं जाकर काम देख लेके फिर वापस आते, गाड़ी लेकर वापस आ जाते, मतलब कोई वहाँ के कोई गरीब लोग वहाँ से मेट्रो में एयरपोर्ट को जाने वाले नहीं है।
मगर उनके जान पहचान के रिश्तेदारों को जो जगह है रियल एस्टेट का वैल्यू बढ़ाने के लिए वहां टेंडर बुलाया, काम भी शुरू करने के लिए पूरा सब कुछ कर दिए। उनका बस किस्मत ही है कि राज्य में कांग्रेस सरकार आ गए। आते ही तुरंत मैं रिव्यू किया, भाई किस लिए? जूबली हिल्स वाले को, बंजार हिल्स वाले को, हाईटेक सिटी वाले को, 8 लेन रोड है, बड़ा बड़ा सड़क है, गाड़ियों में एयरपोर्ट को जाने वाले को मेट्रो का जरूरी नहीं है, पहले वो टेंडर रद्द कर दो, क्योंकि ये मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए? जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। अब जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए, क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागोल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को, नागोल से एलबी नगर, एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल, ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायनगुट्टा, चंद्रायनगुट्टा से लेकर पी सेवन रोड से सीधा सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायनगुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से हम लोग फलकनामा से चंद्रायनगुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे, चंद्रायनगुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाईकोर्ट भी बना रहे, लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में, वहां पर भी हम मेट्रो दिए। और एलबी नगर से हम लोग हैत नगर तक को दिए, और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे वहां से बीएचएल रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसुलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो वहां पर जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन किए, ये सब नियोपोलिस, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिलाए तो 78 किलोमीटर फेज टू, ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं, अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे। उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर? इसीलिए जॉइंट वेंचर जेवी मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। द एजेंसी इज गोइंग टू टेक अप दिस वर्क, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। उसमें 15% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है, 35% स्टेट ऑफ तेलंगाना के शेयर है, और 45% लोन आउट ऑफ FRBM, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार ये मान लिए तो FRBM के अंदर ये लोन नहीं आएंगे, और 5% PPP मॉडल। ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायनगुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देखे ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायनगुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायनगुट्टा में कांग्रेस ओबीसी को, आपको ज्यादा प्यार है ओबीसी के बारे में, पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्रास कम्युनिटी को चंद्रायनगुट्टा से, मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायनगुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू, भाई भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर आपके सामने, अगर कोडंगल से मेरा कांग्रेस के बीफॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बीफॉर्म, मेरा पार्टी के बीफॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है,
नॉमिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नॉमिनेशन फाइल करवा दे के मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोडंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा, वहां पर नहीं इधर बिठाऊंगा, इधर हमारे भाई को हम डिप्टी सीएम बना लेके यहां पर बिठा के अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा, फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2675 करोड़ से मेट्रो बनने वाले, हम लोग जल्दी से ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन काम शुरू हो गए, पैसे भी दिए साहब को, अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं पूरा इंफॉर्मेशन सारा अकबर साहब को मैं दूंगा। लैंड एक्विजिशन का काम शुरू हो गए, 2675 करोड़ से गौलीगुड़ा बस स्टैंड से लेकर फलकनामा, फलकनामा से लेकर चंद्रायन गुट्टा तक 7.5 किलोमीटर का जो मेट्रो बनाना है मेरे जिम्मेदारी है, बींग एन MAUD एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना मैं उनको वादा कर रहा हूँ आपके सामने मैं मेट्रो रेल बना के दिखाऊंगा। धन्यवाद।